एट एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट चाहिए। ऐसे कुल दो ये एक्वायर करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो टैंक्स है, depleted, वो होते जा रहे हैं। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन गया है आ, लेकिन पाकिस्तान को मैंने कहा हार्डवेयर देने को तैयार नहीं है फर्स्ट ट्रस्ट द मनी जाहिर सी बात है ये जो दो एयरक्राफ्ट होंगे मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रांसपोर्ट टाइप के एयरक्राफ्ट होंगे दे, दे you know, जो अग्रीमेंट सिग्निफाइज इंडिया जीडीएफ केपेबिलिटीज ये प्रेसिडेंट उनके इरफान अली थे इरफान अली उनके प्रेजिडेंट दो हजार तेईस में आए थे और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उन्होंने विजिट करा है गायना है किधर यह है क्या चीज साउथ अमेरिका का नॉर्थ मान लीजिए आप अब आप ये बोलेंगे साहब साउथ अमेरिका के नॉर्थ में भारत क्यों एंगेज कर रहा है भारत के क्या स्ट्रेटेजिक एम्स हो सकते हैं यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों जब से डॉक्टर जयशंकर आए हैं हर जगह भारत में भारत का इतना फैला हुआ इसके लिए यह करा इसके लिए यह करा किसी को वैक्सीन दी किसी को मदद दी किसी को खाना पीना पहुंचाया किसी के लिए रेलवे लाइन किसी ने बोला साहब हमारे गांव में पानी नहीं है उसके लिए पानी बना के दिए अफगानिस्तान में ये तो हर जगह भारत फैल रहा है हर जगह और मैंने कभी सोचा नहीं था आज से दस साल पहले बाय गॉड दोस्तों जब मैं क्योंकि मुझे तो मुझे तो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है और मैं इसका बड़ा कीन स्टूडेंट रहा हूं जियो पॉलिटिक्स अफेयर्स नेशनल सिक्योरिटी का काफी समय से काफी समय से कीन स्टूडेंट रहा हूं मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि भारत प्रोएक्टिवली एंगेज करेगा साउथ अमेरिका के साथ साउथ अमेरिका इज द बैक ऑफ बियॉन्ड वहां पे हम लोग तो क्या करते हैं ना ज्यादातर इंडियंस चले जाएंगे तो कहां चले जाएंगे साहब यूरोप चले गए अमेरिका चले गए कनाडा चले गए दुबई चले गए ऑस्ट्रेलिया चले गए न्यूजीलैंड चले गए मैंने हार्डली कोई इंडियन मिलता जो कहता है आई एम श्योर वहां पे एक थ्राइविंग इंडियन कम्युनिटी होगी एनआरआईज होंगे पक्का होंगे लेकिन इतने आम तौर पे वो लोग नहीं दिखते तो भारत ने एक अपना आप ये मान के चलिए कि एक पंजाब अपना साउथ अमेरिका में भी गार्ड रखा है और भारत के और देशों के साथ भी वेनेजुएला के साथ भारत की बात चल रही है तेल के बारे में याद है जिसके ऊपर अमेरिका ने लगा रखे हैं उनके साथ तेल ऊपर बात चल रही है अर्जेंटीना से बात चल रही है लिथियम लेने की बात चल रही है तो भारत के कई देशों से बात चल रही है वहां करीब पांच सात देश हैं जिनके साथ भारत बहुत एक्टिवली एंगेज कर रहा है दोस्तों और ये मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि भारत ऐसे एंगेज करेगा अब मैं इस डील के बारे में आपको बताता हूं ये जो अग्रीमेंट है जो दो जहाज की बात जो हुई है ट्वेंटी मिलियन यूएस डॉलर की कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि 23.27 मिलियन डॉलर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं इसके पहले जब डॉक्टर एस जयशंकर गए थे गायना डॉक्टर जयशंकर विजिट कर चुके हैं राइट और उस समय उन्होंने गायना को दिया लाइन ऑफ क्रेडिट 100 मिलियन यूएस डॉलर्स की 100 मिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुके हैं और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी है और इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम एक बनाया है गाइनीज ऑफिशियल्स के साथ कि हम आपको ट्रेन करेंगे क्योंकि इंडिया का मैन पावर दोस्तों माना जाता है वर्ल्ड का अमंग्स द वर्ल्ड बेस्ट ट्रेन हमारे खासतौर से हमारे इंजीनियर्स हमारे डॉक्टर्स दुनिया भर में इनकी काफी जिसको कहते हैं कि इज्जत है काफी इनकी मांग है लोग कहते हैं यार इंडियन डॉक्टर है इंडियन इंजीनियर है हर जगह आप अमेरिका में देख लीजिए सिलिकॉन वैली में इंडियंस छा रखे हैं वो क्यों छा रखे हैं को इसीलिए चाह रखे हैं क्योंकि वो कैपेबिलिटी भारत ने डेवलप करी और वही कैपेबिलिटी भारत कह रहा है गायना को कि हम आपके साथ उन्होंने एक एक प्रोग्राम बनाया है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम जिसके अंदर ये लोग इन लोगों को ट्रेन करेंगे और उनको ऑफ अ सर्टेन स्टैंडर्ड तक लेकर आएंगे कहा जाता है कि इंडियन फौज के पास कोई 3500 के करीब बैटल टैंक्स हैं पाकिस्तान के पास कोई चौबीस के करीब बैटल टैंक है ये पाकिस्तान के अंदर अक्सर बात होती है दैट कैन वी गो फॉर अ वैसल टू वैसल कॉम्पिटिशन विद इंडिया इज़ दिस पॉसिबल कि जिस तरह इंडिया जो है वो आ, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दे कीप बाइंग न्यू गैजेट्स क्या कैन वी बाय इफ दे कीप बाइंग न्यू मिलिट्री टॉयज कैन वी बाय दोज मिलिट्री टॉयज सो ये चीज़ें जो हैं ये आ, Uh, ये, uh, ये चैलेंज है अब इंडिया के पास जो है जिसे वो कहते हैं ना कि आ, आ, ये एक हजार से ज्यादा टैंक इंडिया के पास है पाकिस्तान की वस्वत एक हजार टैंक लेकिन पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं दे आर गेटिंग डिप्लेटेड वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं अब फॉर एग्जांपल इंडिया के जो मेन टैंक्स हैं जो बैटल टैंक्स हैं उसमें अर्जुन एम है ठीक है जी और कहा जा रहा है कि अर्जुन जो है दिस इज थर्ड जनरेशन टैंक जो कि इंडिया ने भी लोकल बनाया हुआ आपको है आपको पता है अब इंडिया पाकिस्तान और चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज इक्विपमेंट जैसे मैं पहले कह रहा था इज नॉट वॉल टेस्टेड इंडिया जो है वो लोकल कैपेसिटी प्लस रशियंस को बहुत सारी जगहों में इन्वॉल्व कर लेता है पाकिस्तान ये सारा कुछ ख़ुद नहीं बना सकता जो पाकिस्तान चीन के पास चला जाता है जो इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डी जो जो कहते हैं ये भी जो अर्जुन एक थर्ड जनरेशन टैंक है जिसमें वन पॉइंट की गन होती है आर्मो पियर पियर सिंह फिन होती है जो कि एंड देन इसकी फॉर uh, एग्जांपल इसके अंदर मशीन गन और गोले शोले भी बड़ी तादाद में लगे हुए हैं so, सो uh, इसमें आप ये समझ लें कि मेरे ख्याल ट्वेल्व पॉइंट सेवन एम की मशीन गन इसके अंदर एक है सो इंडियन फौज ने अपनी कैपेसिटी के लिए रखा हुआ है और कहा जाता है कि अर्जुन जो है ये सिंगल एम टी यू मल्टी फ्यूल डीजल इंजन है ठीक है जी सो so, ये आप इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 67 किलोमीटर पर आ रहा है टैंक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती है वंस एक दफ़ा मुझे मौका मिला था टैंक में बैठने का तो टैंक जो है वो बड़ी गंदी बैठला है, है टैंक ठीक है जी और अर्जुन के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है चार लोग बैठते हैं कमांडर गनर लोडर ड्राइवर सो इट्स अ बिग टैंक मतलब कोई ये मजाक नहीं है इस तरह इंडिया के पास एक टी नाइनटी बिशमा एक टैंक है कहा जा रहा है कि जो टी नाइन्टी है वो भी एक लेजेंडरी रशियन टैंक है और ये इंडिया ने बहुत पहले परचेस किया हुआ है और ये जिसे कहते हैं कि इंडिया ने इसको अपग्रेड भी किया हुआ है जॉइंट कलेबोरेशन इंडिया और रशिया का और फ्रेंच इंजीनियर्स के साथ यही चीज़ मैं आपको पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के लिए दैट पाकिस्तान कैन नॉट हैव मोर डिफेंस वेंचर्स इंडिया हैज़ सो मैनी ऑप्शंस Russia is just one option. France is another option for Pakistan. France is not going to give anything. You know that wherever India goes, India asks those suppliers you cannot give such kind of a military equipment to Pakistan.